94.3 माय एफएम से मैं हूँ आरजे विनी। वेरी गुड मॉर्निंग। और चलिए दिन की शुरुआत में आज कुछ अच्छा सुनते हैं। कहानी सुनते हैं एक गुरुजी की। आपने नॉर्मली नोटिस करा होगा कि हर व्यक्ति को गुस्सा आता है, नाराज होते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, लेकिन जो साधु संत महात्मा होते हैं ना, वो सबसे बड़े प्यार से व्यवहार करते होते हैं। ऐसे ही एक गुरुजी थे और उनका एक शिष्य था जिसे बात बात पर बहुत गुस्सा आता था, बहुत झुंझलाता था, चिड़चिड़ाता था। तो एक दिन अपने गुरुजी के पास जाकर उसने पूछा कि गुरुजी प्लीज मुझे आप अपने इस अच्छे बिहेवियर का राज बताइए, रहस्य बताइए कि क्या कारण है कि आपको किसी पर गुस्सा नहीं आता, आप हर किसी से इतना मीठा बोल लेते हैं, कैसे? तो गुरुजी ने कहा कि मुझे मेरे व्यवहार का राज तो नहीं पता, लेकिन मुझे तुम्हारा एक राज पता है। तो शिष्य ने कहा कौन सा राज पता है आपको? तो गुरुजी ने कहा मुझे ये पता है कि अगले 7 दिनों में तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तुम दुनिया को छोड़कर जाने वाले हो। अब ये सुनकर ऑब्वियसली कोई भी घबरा जाएगा। वो घबराया लेकिन उसने खुद को संभाला, गुरुजी का आशीर्वाद लिया और वहां से चला गया। जब वो बाहर निकला तो बिल्कुल एक बदला हुआ इंसान था। हर किसी से बहुत अच्छे से प्रेम से बात कर रहा था, लोगों से ये भी कह रहा था कि अगर मैंने कभी आपका दिल दुखाया हो या बुरा व्यवहार किया हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। और जब ये 7 दिन पूरे बीत रहे थे, तब अंत में वो गुरुजी के पास आशीर्वाद लेने पहुंचा, बोला कि मेरा अंत समय आ गया है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो गुरुजी ने कहा ये बताओ कि पिछले 7 दिन कैसे गुजरे तुम्हारे? उसने कहा बहुत अच्छे गुजरे। गुरुजी ने पूछा गुस्सा आया? तो उसने कहा नहीं, मैं क्यों गुस्सा करूंगा, मुझे पता था मेरे पास सिर्फ 7 दिन है, उसे मैं गुस्सा करने में, झगड़ा करने में क्यों बर्बाद करता, मैं सबसे बहुत प्रेम से रहा। गुरुजी ने कहा यही है मेरे अच्छे व्यवहार का राज, क्योंकि मैं जानता हूँ कि लाइफ बहुत अनसर्टेन है, अनिश्चित है, कभी भी कुछ भी हो सकता है और कोई भी दिन हमारे जीवन का आखिरी दिन हो सकता है। बस अगर ये दिमाग में रखेंगे ना तो आप अपने आप हर किसी से अच्छा व्यवहार कर पाएंगे। इस सोच के साथ दिन की शुरुआत कीजिए 94.3 एफएम पर। अच्छा सुनते रहिए, जियो दिल से।